दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजी रोड पर किस तरह से बिना डरे अपनी गाड़ी को चलाया जा सकता है। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेयरिंग से लेकर के फुट कंट्रोल्स तक सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखोगे, किस तरह से मैं अपने क्लच को कंट्रोल कर रहा हूँ, ब्रेक को कंट्रोल कर रहा हूँ और स्टेयरिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ। बेसिकली दोस्तों, अगर आप ट्रैफिक में चलते हो, जिस तरह से कि मैं बिजी रोड पे चल रहा हूँ, अगर ऐसे रोड पे अगर आप चलते हो तो यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहली चीज़ है जजमेंट का अंदाज़ा नहीं लगाना है। क्योंकि अगर बिजी रोड हो या ट्रैफिक हो, अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो ना, तो आपके सारे जजमेंट फेल हो जाते हैं। वहाँ पे एक भी जजमेंट आपके काम नहीं आता है। आप चाहे लेफ्ट साइड का जजमेंट ले लो या फ्रंट का ले लो या राइट साइड का जजमेंट ले लो, जजमेंट काम में नहीं आएगा। ट्रैफिक में आपका कंट्रोल आएगा सबसे ज़्यादा काम में, आपका फुट कंट्रोल, आपका स्टेयरिंग कंट्रोल और आपकी गाड़ी की चौड़ाई का अंदाज़ा सबसे मेन चीज़ है। दोस्तों अगर आप ट्रैफिक में चलते हो, गाड़ी चलाते हो, तो आपकी गाड़ी की चौड़ाई का अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि कितनी चौड़ी आपकी गाड़ी है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी गाड़ी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस साइड से गाड़ी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, क्योंकि आगे काफ़ी बड़ा जाम है। कई लोगों ने मुझसे कई सारे क्वेश्चन करे थे कि सर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बताइए, तो आज के वीडियो में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी कवर होगा। किस तरह से मैं क्लच कंट्रोल कर रहा हूँ, ब्रेक कंट्रोल कर रहा हूँ, एक्सलेटर को प्रेस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आज के वीडियो में होने वाली है। तो दोस्तों आप मेरे फुट कंट्रोल्स भी देखते रहिए और आपको फ्रंट का भी दिखता रहेगा। मेन चीज़ क्या होता है, ट्रैफिक कई तरह के होते हैं। एक ट्रैफिक होता है जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती है जो लाइन से चलती है, मेरे हिसाब से वो वाला ट्रैफिक बहुत आसान होता है। एक ट्रैफिक होता है जिसमें इस तरह की हर तरह की गाड़ियाँ चलती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ चल रही है, टू व्हीलर भी चल रही है, फोर व्हीलर भी चल रही है और बसेस भी चल रही है और कुछ पैदल लोग भी चल रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिक्कत आती है, अब जैसे कि रेड सिग्नल हो गया, मैं यहाँ पे क्लच दबा करके नहीं रखूँगा, क्लच को रिलीज़ कर दूँगा और अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में कर दूँगा, ताकि मेरे जो है फर्स्ट गियर पे और क्लच पे ज़्यादा लोड ना आए। जैसे जैसे गाड़ी बढ़ेगी मैं फर्स्ट गियर में लूँगा, हैंड ब्रेक रिलीज़ करूँगा और देखिए मैंने क्लच छोड़ा है, मेरी गाड़ी आगे जा रही है, मैंने ब्रेक लगाया, मेरी गाड़ी रुक रही है, फिर क्लच छोड़ूंगा, गाड़ी आगे जाएगी, ब्रेक लगाऊंगा, गाड़ी रुक जाएगी। बस अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो इस तरह से फॉर्मूला आपको आजमाना है। राइट साइड में बसेस है, छोटी गाड़ियाँ भी है, पीछे भी गाड़ियाँ हैं, आपको पीछे का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि पीछे गाड़ी कितनी दूर है, ताकि हम सावधानी से अपने ब्रेक लगा सके। सडन ब्रेकिंग करोगे तो पीछे वाला आपकी गाड़ी में जा घुस सकता है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ बहुत चिपक के चलती है। अब अभी देख सकते हो आप मेरे सामने वाली गाड़ी से मैं अपनी गाड़ी को कितना दबा करके चला रहा हूँ। अब मुझे आगे का जजमेंट कैसे हुआ, मैं उसके बोनट से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मेरी गाड़ी एक सेफ डिस्टेंस पर खड़ी है। अब जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है, मैं यहाँ पर आपको क्लच कंट्रोल के साथ साथ गाड़ी आगे बढ़ाना सिखाता हूँ। अभी मैं फर्स्ट गियर में हूँ, अब देख सकते हो मेरी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यहाँ पर दोस्तों फुल क्लच प्रेस नहीं करना है, रिलीज़ नहीं करना है, सॉरी, फुल अगर क्लच रिलीज़ करोगे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे जाएगी। अगर आपको स्पेस मिल जाता है, जैसा मुझे स्पेस मिल गया तो मैंने क्लच रिलीज़ कर दिया है। अब जैसे आगे रुक गई, मैंने क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया, अब सेफ डिस्टेंस पर ही आपको ब्रेक लगाना है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि सडन ब्रेकिंग कर दी, आपको स्मूथली ब्रेक लगाना है। अब जैसे आगे देख सकते हो कितना ट्रैफिक है और मेरे पीछे भी काफ़ी ट्रैफिक है, मुझे इस साइड का जजमेंट भी लगाना है, फ्रंट साइड का भी लगाना है, राइट साइड का भी लगाना है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं। मुझे अपनी गाड़ी की चौड़ाई का अंदाज़ा रहेगा ना, तो मैं इस साइड से आराम से अपनी गाड़ी को निकाल लूँगा। इस साइड से चौड़ाई का अंदाज़ा लगाओ, लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको जो बताया जाता है ना कि सेंटर पॉइंट लो या स्टेयरिंग लो, मैंने भी बताया सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें कब काम में आती है, जब आप खाली रोड पर चल रहे हो। अगर ट्रैफिक में चल रहे हो ना, तो इस साइड की चौड़ाई का अंदाज़ा होना चाहिए। इस साइड की चौड़ाई आप समझ लो कि कितनी है, या आपको इतना जजमेंट होना चाहिए कि आपकी गाड़ी निकल जाएगी। अब देखिए कई सारे लोग आ रहे हैं, मेरी गाड़ी भी निकल रही है, तो इस तरह से ट्रैफिक में गाड़ी चलाई जाती है। अगर आप बिगिनर हो तो बस क्लच कंट्रोल पे ध्यान रखो, एक्सलेटर ज़्यादा मत करो। अगर स्पीड अच्छी है, अब जैसे यहाँ देखो, अब मैंने ब्रेक लगा दिया, अपनी गाड़ी सेकेंड में थी, फर्स्ट में ले आया, क्लच रिलीज़ करा, गाड़ी मेरी उड़ गई। बस ये टेक्निक आपको आनी चाहिए, और ये टेक्निक कब आएगी, जब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे गाड़ी चलाने की ट्रैफिक में आपको, ये देखिए ये भाई साहब कहाँ से आया, अचानक कहाँ मुड़ गए। तो इस तरह से कई सारे लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लच मूवमेंट समझना चाहिए। ऐसा अगर यहाँ पे आपने ज़रा सी भी मिस्टेक करी,
अगर पेडल मिस एप्लीकेशन हुआ तो आप घुस जाओगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब देखो इधर से भी गाड़ी आ रही है, अब मैंने इधर से भी गाड़ी बचाई, मेरे को क्योंकि जजमेंट था, मेरे को अंदाज़ा था कि मेरी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कितनी चौड़ी है और आपके नज़रिया क्या कहता है, यहाँ से निकलेगी या नहीं निकलेगी। अगर आपका नज़रिया कहता है यहाँ से निकलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं निकाल लूँगा, तो आप निकालो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो बिल्कुल मत निकालो, आप आराम से चलो, बहुत रिलैक्स होकर के चलो। ये देख सकते हो आप आगे ट्रैफिक चल रहा है, मैं फर्स्ट सेकेंड गियर में ही चल रहा हूँ, थर्ड गियर में लूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है आगे थर्ड गियर की स्पीड आएगी नहीं, तो मैं अपनी गाड़ी को सेकेंड गियर में ही चलने दूंगा। RPM आप देख सकते हो 2000 RPM के अंदर अंदर ही मेरी गाड़ी चल रही है। तो इस तरह से आप ट्रैफिक में गाड़ी चला सकते हो। मैं जोर इस साइड के जजमेंट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में इसी साइड का जजमेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा करता है। अब ये देखिए भाई साहब को, ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में आप मिस एप्लीकेशन बिल्कुल भी ना करें। जब तक आपको फुट पेडल नहीं याद होते हैं, जब तक ट्रैफिक में मत निकलिए। फुट पेडल आपके अच्छे से याद हैं आपको, तो ही आप ट्रैफिक में निकलिए, तभी आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाओगे ट्रैफिक में। आप देख सकते हो आगे ट्रैफिक रुक गया है, लेकिन यहाँ पे रेड बत्ती नहीं है, गाड़ी ट्रैफिक चल रहा है धीरे धीरे। तो मैं क्लच अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में नहीं करूँगा, फर्स्ट गियर में लगा करके क्लच को मूव दबा करके रखूँगा। यहाँ पे मैं न्यूट्रल कर ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा चल रहा है। ये देख सकते हो, ये आगे वाली गाड़ी चल रही है और मैं भी चल रहा हूँ, तो बहुत करीब से चल रहा है दोस्तों। देखो मतलब मैंने बताया ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हुई है, आपका स्टेयरिंग भी कवर हुआ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी कवर हुआ, आपके फूड कंट्रोल्स भी कवर हुए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, तब जा करके आप अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में चला पाओगे। ये देख सकते हो मेरी गाड़ी का अंदाज़ा मैंने लेफ्ट साइड से कैसे लगाया। यही चीज़ आपको आनी चाहिए दोस्तों, ये कब आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। जितनी ज़्यादा आप गाड़ी चलाओगे, उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और उतनी ज़्यादा सेफ़ तरीके से और स्किल तरीके से आप अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में चला पाओगे। अभी देखो मैं बिल्कुल पूरी तरह से कंजस्टेड ट्रैफिक में फंस चुका हूँ, आगे भी गाड़ी है, पीछे भी गाड़ियाँ हैं, सब तरफ से। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आप देखते जाओ वीडियो मेरा कैसे मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल करते हुए निकाल रहा हूँ। आज थोड़ा कुछ फेस्टिवल है, आज दोस्तों थोड़ा सा फेस्टिवल है, आनंद चतुर्दशी है। आज के दिन इंदौर में बहुत प्यारी सी झांकियां निकलती है, तो उसी की तैयारी है और ट्रैफिक भी उसी का है। तो ये देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं, फेस्टिवल के कारण ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए आज मौका भी अच्छा था कि आपके लिए इस तरह का वीडियो लेकर के आऊँ मैं, ताकि आप मेरे फुट कंट्रोल्स देखते रहिए दोस्तों। मैं बोलता रहूँगा, आप फुट कंट्रोल देखते रहो, सामने देखते रहो किस तरह से मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल करते हुए चला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दोस्तों फुल क्लच रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हाफ़ क्लच में गाड़ी चला रहा हूँ। हाफ़ क्लच में इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को उतनी स्पीड मिल ही नहीं पा रही है कि मैं क्लच पूरा छोड़ दूँ। अब देख सकते हो इधर से ऑटो आया, यहाँ का जजमेंट कैसे होगा, पीछे की गाड़ी का जजमेंट कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको आनी चाहिए, और ये कब आएगी वो एक बार और बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस। वो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज़्यादा आप स्किल्ड होते जाओगे। अब देखो इतनी स्किल्ड, जितनी स्किल्ड से मैं अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ ना, उतनी स्किल आपको हासिल करने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। अगर लगातार अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको क्लच रिलीज़ करने की प्रैक्टिस करना है बस। ये देख लो मेरी गाड़ी अपने आप चल रही है, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ, क्योंकि आगे गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है, तो मैं क्लच भी पूरा रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो ट्रैफिक में। अब आगे बहुत धीरे धीरे चल रहा है ट्रैफिक, में इस साइड से मूव करूंगा। अब देखो भाई साहब बोल रहे हैं उधर से शिफ्ट हो, तो अब मैं देखो अब लेफ्ट साइड में जा रहा हूं मैं। ये देखो अब कई लोग काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने इंडिकेटर नहीं दिया, तो भैया मैंने इंडिकेटर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक में इंडिकेटर कोई ध्यान नहीं रखेगा। अब देखो वो आगे ठुकते ठुकते बच गया, वो गाड़ी बच गई। तो इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं दोस्तों। अब देखो अब मैं यहाँ से ट्रैफिक से बाहर निकल गया, कितने आसान तरीके से मैंने अपनी गाड़ी को चलाया है। और इस तरह से आप ट्रैफिक में अपनी गाड़ी को कंट्रोल करोगे, सेम पैटर्न जो पैटर्न मैंने इस्तेमाल करा। अब मैं इंडिकेटर देता हूँ, यहाँ से यू टर्न लूँगा, मैं अब अपने घर की ओर जाऊँगा। तो यहाँ से मैं देखो यू टर्न लेता हूँ, अब आगे की गाड़ी भी देखना है, बिजी रोड है पीछे, तो देखो ऑटो भी आते जा रहे हैं, इनको निकल जाने दो, जितनी गाड़ियाँ आ रही उनको निकल जाने दो और यू टर्न ले लो। ये देख सकते हो फर्स्ट गियर में यू टर्न लेना, हमेशा कभी भी सेकंड गियर में मत ले लेना।
तो ये चीज़ होती है दोस्तों, इस तरह से आप ट्रैफिक में गाड़ी चला सकते हो। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।